गाइस, वेलकम टू क्लासिक क्रेविंग्स। मैं हूँ नेहा और आज मैं बनाने जा रही हूँ पनीर कटलेट। पनीर कटलेट बहुत ही टेस्टी बनते हैं, आप इसे कभी भी चाय या कॉफी के साथ बनाकर खा सकते हैं। इसके अलावा ये मेहमानों को सर्व करने के लिए भी झटपट बनाया जा सकता है। बहुत ही ईजी और टेस्टी स्नैक्स का ऑप्शन है। आइए सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। पनीर कटलेट बनाने के लिए मुझे चाहिए सबसे पहले 400 ग्राम पनीर, 4-5 उबले और मैश किए हुए आलू, 1 कप ब्रेड क्रम्स, 1/2 कप उबली हुई हरी मटर, 1/2 कप कटा हुआ प्याज, 3 टेबल स्पून बेसन, गरम मसाला, नमक, जीरा, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला, 2 कटी हुई हरी मिर्च और भुने हुए जीरे का पाउडर। अब रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बैटर रेडी करने के लिए मैंने एक बोल ले लिया है। इसमें हम डालेंगे ग्रेट किया हुआ पनीर, मैश्ड बॉइल्ड आलू, उबली हुई मटर, कटा हुआ प्याज, थोड़ा सा चला लेंगे। अब डालेंगे कटी हुई हरी मिर्च, चाट मसाला, भुना हुआ जीरा पाउडर, साबुत जीरा, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, और नमक। अब इस मिक्सचर को अच्छे से मिलाएंगे। आप इसे हाथों से भी मिला सकते हैं। कटलेट में आप अपने चॉइस की कई सब्जियां भी बारीक काट कर डाल सकते हैं। मिक्सचर हमारा रेडी हो चुका है। अब हम थोड़ा बेसन लेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक स्लरी बनाएंगे। स्लरी में लम्स नहीं होने चाहिए और स्लरी की कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी होनी चाहिए। अब हम कटलेट बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम अपने हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे, इससे हमारा बैटर हाथों पे चिपकेगा नहीं। अब बैटर का एक छोटा सा पोर्शन लेकर उसकी रोटी के बराबर स्मूथ सिलोई बनाएंगे। हथेली का यूज करते हुए लोई को शेप देंगे। अब लोई बन गई है तो इसको बेसन की स्लरी में डिप करेंगे। एक्सेस स्लरी को बह जाने देंगे। अब हम इस लोई को ब्रेड क्रम्स में डालेंगे और पूरी लोई को हर तरफ से अच्छे से कोट कर देंगे। हमारा कटलेट फ्राइंग के लिए एकदम रेडी है। ऐसे ही हम बाकी कटलेट्स भी बना लेंगे। अभी मैं आपको ये 4 कटलेट्स फ्राई करके दिखाऊंगी। चलिए इन्हें फ्राई कर लेते हैं। मैंने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है। गैस को मीडियम फ्लेम पर रखेंगे और तेल को बहुत ज्यादा गरम नहीं करेंगे। अब हम एक एक करके सारे कटलेट्स इसमें डाल देंगे। इन कटलेट्स को गोल्डन होने तक फ्राई होने देंगे।
थोड़ी देर बाद कटलेट्स को पलट देंगे। थोड़ी देर फ्राई होने देंगे। देखिए कुछ देर बाद कटलेट्स पर अच्छा कलर आ गया है। अब हम इन कटलेट्स को निकाल लेंगे। कटलेट्स मैंने निकाल लिए हैं, अब इन्हें प्लेट में सर्व कर लेते हैं। मैंने कटलेट्स को प्लेट में सर्व कर लिया है, बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बने हैं। आप इसे हरी चटनी, लाल चटनी, चाय, कॉफ़ी या कोल्ड ड्रिंक के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो आप भी ये कटलेट्स घर पर बनाइए और सबको खिलाइए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही वो बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए जिससे आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।